हेलो एवरीवन, क्या आप भी एक्ने से परेशान हैं? क्या आप भी डर्ट पॉल्यूशन से दूर भागते हैं? क्या आप भी अपनी फेस को फिल्टर से छुपाते हैं? अगर आजकल की जनरेशन से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उनका आंसर होगा बिग यस। इवन मेरा भी यही हाल हो रहा है, क्योंकि मैं भी आजकल की लाइफ हो क्यों ना, आजकल की लाइफ में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, डस्ट भी। से अपने फेस को बचाना आसान नहीं है डस्ट और पॉल्यूशन से। मैं बहुत ही परेशान थी अपने एक्ने को लेकर। पिक्स में फिल्टर यूज़ करती थी और बाहर खुद को पूरा कवर करके निकलती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई थीफ जा रहा हो। एक्ने की प्रॉब्लम से परेशान होकर मैंने फेस मास्क, क्लिंजर और ना जाने कितनी एक्ने सीरम का यूज़ किया। बट सैलिसिलिक एसिड इज़ अ कॉमन इंग्रेडिएंट यूज्ड इन मैनी एक्ने ट्रीटमेंट्स। ये हमारे एक्ने को रिड्यूस करता है, ब्लॉक पोर्स को अनलॉक करता है, ये डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है, रेडनेस और स्वेलिंग को भी कम करता है, और ये डार्क स्पॉट्स है जो भी डार्क स्पॉट्स को कम करता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी ने भी रेकमेंड किया है कि सैलिसिलिक एसिड इंक्लूड्स इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है तो ट्रीट एक्ने इशू। बकुच्यूल इज़ ऑल्सो नोन एज नेचर रेटिनॉल। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक्ने इशू को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इट्स हेल्प टू प्रिवेंट फाइन लाइन्स एंड मेंटेन्स स्किन केयर। और नियासिनमाइड इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ विटामिन B3। इट यूज़ फॉर एक्ने, एंटी एजिंग एंड स्किन डिस्कलरेशन, एंड इट हेल्प्स टू रिड्यूस इन्फॉर्मेशन टू स्पीड अप प्रोसेस हीलिंग एक्ने एंड पिम्पल्स। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं एक्ने इशू में। सो आई वांट टू इंक्लूड इन माय स्किन केयर रूटीन आल्सो। इसलिए मैंने रिसर्च किया एंड उसके बाद ये सभी इंग्रेडिएंट्स मिलाकर मुझे सीरम मिला है जो है न्यूट का रैपिड क्लिंजर एक्ने ट्रीटमेंट सीरम। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरा एक्ने बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है जिससे मैंने ये सीरम यूज़ किया है। आई नो मैनी ऑफ ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, सो आई रियली वॉन्ट टू सजेस्ट यू, सो बाय द अमेजिंग सीरम न्यूट रैपिड क्लिंजर एक्ने ट्रीटमेंट सीरम, अवेलेबल ऑन न्यूट वेबसाइट एंड ऑल्सो अवेलेबल एट अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। कुछ नहीं हुआ तो फिर मैंने एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम पर रिसर्च किया था। सर्च करने के बाद सर्च करना स्टार्ट किया एंड उसके बाद मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चला। और जब मैंने देखा कि उसके बाद ये इंग्रेडिएंट्स इस सीरम में हैं, तो वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं, एंड दोज इंग्रेडिएंट्स आर सैलिसिलिक एसिड, बैकुचुअल एंड नियासिनमाइड। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है इस सीरम में है। इस सीरम को यूज़ करना कितना आसान है आप देखिए, इसकी पैकेजिंग भी इतनी अच्छी है, साथ में आपको ड्रॉपर भी दिया हुआ है। बस आप अपने फेस को फेस वॉश से, जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं, आप उस फेस वॉश से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करें। क्लीन करने के बाद आप टोनर लगाएं, जो कि मैं अभी न्यूट का ही रोज़ टोनर लगा रही हूँ जो कि मुझे आया था PR में, और फिलहाल मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मेरे स्किन का टेक्स्चर आप लोग देख रहे हैं, डे बाई डे अच्छा होता जा रहा है, और पिंपल्स की प्रॉब्लम्स मुझे हो जाते हैं मंथ में 4-5 दिन तो खासतौर से जरूर हो जाते हैं मुझे उस टाइम पे। और पिंपल मैं पिंच कर देती हूँ, पिंच कर देने से ब्लैक भी पड़ जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वो मेरे स्पॉट्स भी कम हुए हैं। देखिए मेरे फेस पे एक भी स्पॉट्स भी आपको नहीं दिखेगा और मेरा फेस काफ़ी ग्लो कर रहा है। तो आप ड्रॉपर से लें ताकि आपका प्रोडक्ट वेस्ट ना हो, अपने फेस पे लगाएं, और फेस पे लगाने के बाद पहले उंगलियों के टॉप से अच्छे से हल्के हल्के हाथों से स्किन में लगाएं, फिर हाथों में अच्छे से अब्जॉर्ब होने तक लगाएं। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरा स्किन कितना प्लम्पी हो गया और एकदम ही अब्जॉर्ब कर जा रहा है, बिल्कुल नॉन स्टिकी है। पैकेजिंग बहुत अच्छी है इसकी, ट्रैवल फ्रेंडली है, आप आराम से लेके जा सकते हैं। जो मैं दिखा रही हूँ ये बहुत बहुत ही बढ़िया वाला है, कितनी बढ़िया इसकी बॉटल है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, और मेरे फेस पे आप ग्लो दे सकते हैं। एक्चुअली मुझे अपनी स्किन से प्यार हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका बाय लिंक दिया हुआ है, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर यूज़ करिए। न्यूट रैपिड क्लिंजर एंड एक्ने ट्रीटमेंट सीरम तो बहुत ही बढ़िया वाला है। और चलिए मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये सीरम यूज़ करने के बाद कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर। मेरी तरफ से तो परफेक्ट है, बाय बाय।